ओके गुड लोग, किसी मार्टिन नाम से ट्रेलर आया है तो उसका रिएक्शन कर लेते हैं। आई मीन ट्रेलर नहीं, टीजर आया ये है। पैन इंडिया निकलेगी कि पान इंडिया वो देख के पता चलेगा। 2 मिनट 34 सेकंड का टीजर, भाई साहब इसको टीजर क्यों कहते हैं, इसको पूरा ट्रेलर क्यों नहीं बोल देते। 3 2 1 चलो। ऐसा क्रूअल इंसान मैं पहली बार देख रहा हूं। और उससे भी ज्यादा डेंजरस ये है कि ही इज एन इंडियन। क्या करना चाहते हैं ये? कैरेक्टर है भाई, कैरेक्टर पूरा। क्या दिखाना चाहता है डायरेक्टर? पूरा बल्क कर लिया है भाई। आई डोंट नो यार, मैं इस पे क्या कहूँ। आई डोंट नो मैं इस पे क्या कहूँ। बहुत रिडिक्यूलस है भाई, बहुत रिडिक्यूलस है। अब ऐसा देख के मेरे को अंदर ऐसा लग नहीं रहा है कि हाँ मेरे को जाना ही चाहिए पिक्चर देखने के लिए। दैट सब्जेक्टिव अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। लेकिन हाँ, टीजर देख के तो ऐसे मेरे को वैसे कोई वाइब खास आ नहीं रही है। बहुत ज्यादा कोशिश करने की कोशिश कर रही है। अपना हीरो बड़ा कैरेक्टर बेस्ड है यार, मतलब कि नहीं ना वैसे कुछ ढंग का डायलॉग नहीं था। इज अ टाइप ऑफ बीस्ट और समथिंग लाइक ऐसे कुछ है। और उसके बाद सीजी वो समझ में आ रहा है कि वो थोड़ा सा वो लैरी फैंग और केजीएफ टाइप थोड़ा सा एस्थेटिक्स अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो लैरी फैंग थोड़ा सा एस्थेटिक्स अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ऐसा राइटिंग वाइज मेरे को लगता नहीं है कि ऐसे कुछ कहीं पे जा पाएगी। आई डोंट नो यार, ऐसे बोलते नहीं टिपिकल सदर्न मूवी, आई डोंट नो। बड़ा रिडिक्यूलस था भाई। एक होता है ना पीक रिडिक्यूलसनेस, जैसे कि कोकेन बियर हो गया, वो बहुत एकदम पीक रिडिक्यूलसनेस है। वो होता है कि हाँ एक्साइटेड हो जाता है पिक्चर देखने के लिए। ये रिडिक्यूलस है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके थीम्स थोड़े से सीरियस लेने की कोशिश करती है, वो बहुत रिडिकुलस जाने की कोशिश करती है, हो नहीं पाता। खैर ट्रेलर ही टीजर ही है, 2 मिनट 34 सेकंड का टीजर है। दिख रहा है कि कोशिश कर रहे, दे ट्राइंग। हो सकता है इन्हें भी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये पैन इंडिया नहीं पान इंडिया ही लग रही है। खैर तुम अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट जरूर बताओ। ऐसी पिक्चर है कि जो कभी देख लिया तो देख लिया, ऐसे टाइप है। खैर तुम बताओ तुम्हें कैसा लगे।